हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, चाहे वो हवन हो, सत्संग हो या फिर माँ का जागरण, सबके बाद प्रसाद देने की परंपरा है। ये मन्नतों और मान्यताओं का भी प्रतीक है। अक्सर हम कहते हैं कि अगर हमारी ये मुराद पूरी हो जाएगी तो हम मंदिर में श्रद्धा स्वरूप प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद का अर्थ ही है ईश्वर की कृपा, यानी प्रसाद को सब लोगों में वितरित करने के पीछे यही भाव है कि उनकी कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। हम रोज कथा कीर्तन कहानियां सुनते हैं, इन कथा कीर्तन कहानियों का अपना महत्व, लेकिन जब तक प्रसाद ग्रहण ना किया जाए इनके बाद समझा जाता है उस कथा कहानी कीर्तन को सुनने का महत्व अधूरा रह जाता है। अब ये प्रसाद क्या है? प्रसाद यानी प्रभु की कृपा को प्राप्त करना। प्रसाद से मन में समर्पण की भावना पैदा होती है। पुराने समय में बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ और हवन के बाद पूरी प्रजा को खाना खिलाया करते थे, और आज भी लोग किसी धार्मिक कार्य के बाद भंडारे का आयोजन करते हैं, जो प्रसाद का ही एक रूप होता है। इसके पीछे यही वजह थी कि जरूरतमंद लोगों को भरपेट अच्छा खाना मिल सके। प्रसाद हमें दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से भी मुक्ति दिलवाता है। प्रसाद में जब भी देखा जाता है पंचमेवा बांटा जाता है, पांच फलों के प्रसाद का जागरण में महत्व होता है। अब ये पंचमेवा ही क्यों, पांच फलों का प्रसाद ही क्यों? ये पंचमेवा, ये पांच प्रकार के फल जो हैं, ये हमारे पांच तत्वों के एक एक तत्व का एक एक सिंबलिक रूप से उसको हम भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं कि प्रभु ये पांच प्रकार के तत्व जो हैं हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रसाद कीर्तन के बाद बांटा जाता है, प्रसाद बड़े बड़े सम्मेलनों के बाद बांटा जाता है, यानी कीर्तन में नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए जो हमारी ऊर्जा का ह्रास हो गया है, प्रसाद खाने के बाद हम उस ऊर्जा का संचय कर लें। प्रभु का प्रसाद हमको जीवन में आनंद उतारने के लिए ज्ञान देता है कि प्रभु का प्रसाद बनकर समाज के लिए आप समर्पित हो जाइए। कुछ ऐसा ही महत्व सनातन धर्म में चरणामृत का भी है। भगवान की आरती के बाद भगवान का चरणामृत दिया जाता है। इसका मतलब है भगवान के चरणों से प्राप्त अमृत। इसे बहुत पवित्र माना गया है और मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। ये भी मान्यता है कि चरणामृत के सेवन से रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, और साथ ही इससे ज्ञान, बुद्धि और स्मरण शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। चरणामृत पाप, ताप, संताप का नाश करता है। हमारा जो आइडियल है, हम जिस मकसद को प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं, उसके चरण को किसी पात्र में रखकर उसका अमृत ग्रहण करना, यानी चरण यानी आचरण, जैसा आपका आचरण है उस आचरण को प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मैं घोट कर पी जाऊं और मेरा जीवन आनंदमयी हो जाए, ये चरणामृत का मुख्य मकसद हमारा चरणामृत कहलाता है। अब देखिए, चरणामृत जो होता है, मेरा मानना ऐसे, उसे तांबे के पात्र में रखना चाहिए। तांबे के पात्र में क्यों? तांबे के पात्र में जो जल रखकर उसको पिया जाता है वो कई प्रकार के रोगों का नाश करता है। चरणामृत, चरणामृत में तुलसी डालने का विशेष महत्व है। अब तुलसी, तुलसी तो आप सभी जानते ही हैं, तुलसी जो होती है वो तो घर की एक मुख्य वैद्य मानी जाती है। हर प्रकार की रोग नाशन करने की क्षमता, जो छोटे मोटे रोग हैं उनको समाप्त करना हो, केवल चरणामृत में तुलसी डाल लीजिए, सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। कहा गया है कि नाम, जप और चरण धूलि को अपने तन और मन में धारण करने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और विनम्रता के भाव पैदा होते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी चरणामृत के कई प्रसंग हैं, और उन्हीं में से एक प्रसंग है भक्त केवट का। केवट ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरण एक काष्ठ पात्र में गंगा जल भरकर धोए थे, और इसके बाद से ही चरणामृत का सेवन अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका माना गया है, जिससे भक्त अपनी श्रद्धा अपने भगवान के सामने प्रदर्शित कर सके।
मान्यता है कि प्रसाद और चरणामृत जैसी प्रथाओं से हमारे मन को शुद्धि का भाव मिलता है, जिससे शांति को पाया जा सकता है।